जाति की बेटी के लिए लड़ाई करे, चाहे वो परसों मोहम्मदी गई उन्हें आवाज उठाई से लड़ाई को निर्णायक तरीके से यहाँ पे भी प्रेरणा दी उनको। हम लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की, अगर इनको कोई भी बाल का बाका होता है तो ये जिम्मेदारी भी सरकार और पुलिस की होगी। कुछ जब ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के दौरान ऊपर भी कुछ ना कुछ हुआ था, सभा क्या कहेंगे सर जो आपको ब्लॉक प्रमुखी के दौरान यहाँ पे पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर जो है प्रहार किया गया प्रायोजित तरीके से, जिस तरीके से भाजपा के मुद्दों ने यहाँ पे राजन यादव के ऊपर प्रहार किया, आपको अगवा करने की कोशिश की गई। हमारी प्रस्तावक थारू जनजाति की महिला रंगू राणा जी को आपको अपन गालियाँ दी गई, आपको धक्का दिया गया, आपका बैग छीन के चोरी कर लिया गया। और जब हम लोगों ने थाने में एक अपनी तहरीर दी राजन यादव जी की तरफ से और महिला की तरफ से, तो उसके ऊपर आज 10 से 12 दिन के ऊपर कोई FIR भी रजिस्टर नहीं थी, जबकि वीडियो साक्ष और फोटो हम लोगों ने चाहते हैं। ये ऐसा कौन सा अघोषित केंद्रीय मंत्री है, हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा नेता है जिसके दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाए। यहाँ की हमारी IG साहिबा एक महिला, उत्तर प्रदेश की गवर्नर एक महिला है, और हम लोग उनके अगर ये नहीं किया गया तो लोग उनसे गुहार लगाएंगे। एक हफ्ते के बाद में राजन यादव अगर यहाँ पर नहीं किया गया, राजन यादव जी ने ये प्रण लिया तो कि ये न सिर्फ कांग्रेस की आवाज़ बनेंगे कि पिछड़ा समाज की आवाज़ बनते यहाँ पे एक अनशन करेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा इस आंशिक अनशन को हम लोग प्रियंका गांधी तक लेके जाएंगे। और प्रियंका गांधी मुखर रूप से महिलाओं के कहा कि उत्तर प्रदेश की हर महिला मेरी बहन है, यहाँ के चुनाव को रद्द करने की मांग हम करते हैं। अगर पहला काम अगर FIR को हमने नहीं किया तो एक हफ्ते के बाद यहाँ पे अनशन शुरू नहीं होगा। FIR लिखा जाए और यहाँ के चुनाव के ऊपर जो प्रहार किया गया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए पुलिस से। देखिए एक हफ्ते के बाद में यहाँ पे अनशन शुरू हो जाएगा, और उस अनशन में हम लोग प्रियंका गांधी जी को भी बुलाएंगे, क्योंकि वो 3 दिन के बाद में दिल्ली से लौटेंगे, और लौटने के बाद में हम उनको यहाँ पे जिस तरीके से उन्हें मोहम्मदी की बेटी की आवाज़ उठाई, पलिया की बेटी की आवाज़ वो सुनिश्चित तरीके से उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी आज यहाँ पे अपनी जान माल से परेशान है, आपको जान का खतरा भी है, आपको डर भी है, हमें डर हमारी बहन रंगू राणा का भी है कि उनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, और अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो इस अनशन में हम लोग प्रियंका गांधी जी को भी बुलाएंगे और यहाँ पे इंसाफ की गुहार जी। तो देख सकते हैं ये थे हमारे लिए शेफ जी ने, जिन्होंने बताया कि हमारी जब तक रिपोर्ट नहीं निकली जाएगी हम लोग ऐसे ही।